मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग यार। आई होप सब अच्छे हैं, मजे में हैं, स्वस्थ हैं एकदम भाई। तो भाई आज जाना है कुछ प्रिपरेशन करने ट्रिप के लिए भाई, तो हम लोग निकल गए हैं शहर के लिए। और इस समय हम लोग जा रहे हैं सिविलाइंस। सब जानते ही होंगे भाई, जितने भी यहाँ रहने वाले, जो यहाँ रहने वाले नहीं हैं और बाहर से दिल्ली साइड से इधर उधर से देख रहे हैं जो भी लोग, तो सिविलाइंस वो जगह है भाई जहाँ इलाहाबाद में मतलब लगभग हर चीज़ मिलती है, है ना, मार्केट है पूरा। तो बस अभी तो निकले हैं भाई, रोड है कुछ ऐसी भाई। मैंने देखा एक चीज़, मैंने देखा है यहाँ इंडिया में ना, ये रोड पे इतनी गंदगी रहती। अब जैसे मेरी गाड़ी काली है, ठीक है, अगर काली नहीं भी इतना डस्ट इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोग रोड्स को साफ नहीं रखते हैं। जिस दिन सब ने ये करना चालू कर दिया ना कि रोड्स को साफ रखना चालू कर दें, गाड़ियाँ तो क्या मतलब सांसें भी भाई फिर साफ रहेंगी, लंग वंग की जो दिक्कत होती रहती है ना लोगों को, वो भी चीज़ें कम हो जाएगी, पोल्यूशन कम होगा। इसलिए सड़कों को एकदम साफ रखा करिए, ठीक है। ये कुछ भी फेंक देना कहीं भी और इस तरह से, है ना भाई, इस तरह मत किया करिए भाई, ठीक है। तो गाइस थोड़ा वेट कर रहे हैं यार हम लोग यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि अपने और भी कुछ भाई आ रहे हैं, आ जाएं एक बार तो फिर भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है यार। तो गाइस आ गए हम लोग सिविल लाइंस और भाई अब सोच रहे हैं यार कुछ खाया पिया जाए पहले। बढ़िया धूप निकली है भाई आज सिविल लाइंस में। क्या खाया जाए यार समझ नहीं आ रहा है अभी। बढ़िया जो है धुलाई बुछाई चल रही है गाड़ियों की, ये देखो अपने आप ब्रेक मारती रहती है ये गाड़ी। यार यहाँ का बरिस्ता पता नहीं क्यों इलाहाबाद का मुझको एकदम नहीं समझ में आता है। चलो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं भाई, उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है करने को, वरना तो बिना कुछ किए भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पता तो है ही आपको। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग अभी अपने ऑफिस पे, अब भाई कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं यार यहीं से कुछ खाएंगे पिएंगे अभी तो, ठीक है। गाइस पहले हम लोग ऊपर आ गए थे भाई और अब हम लोग ये खाएंगे, ये जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। कि बाहर का यार पता नहीं, कुछ नीचे समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या खाएं, फिर सोचे नीचे से कुछ मीठा खा लेंगे, पहले ये खा लेते हैं उसके बाद फिर देखेंगे आगे के क्या प्लान्स हैं, ठीक है। लो भोलेनाथ के दर्शन कर लो पहले। तो गाइस अब जा रहे हैं ऑफिस से निकलने, चल रहे हैं सिविल लाइन भाई, एक दोस्त से मिलना है यार, तो बस चल के देखते हैं क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं अपने दोस्त। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है गाड़ी में, तो हम लोग इसको भाई को लेने आए हैं। अब बाकी यहाँ पे गाड़ी में ना यार फिल्म पुरानी हो गई थी पूरी, तो अभी दूसरी फिल्म लग रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। आ चुके हैं हम लोग आज ही हरियाणा दा ढाबा, प्रोप्राइटर प्रखर बत्रा। क्या भाई जो भी यहाँ आएगा मेरे चैनल के नाम में कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको, 10%। नहीं भाई ये काम नहीं करना, 10% डिस्काउंट भाई यहाँ फ्री आपके लिए, है ना। आइए अच्छा डोसा वगैरह खाइए यहाँ पे आके, है ना। और ये भाई बीच सिविल लाइंस में हम लोग खड़े हैं इस समय, और क्या बताऊं भाई, अब यहाँ दिखाने को कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, क्या बस यही है भाई हमारे इलाहाबाद में, बस यही है प्रयागराज। मैं ब्लॉग बनाता हूँ आप लोग देख लोगे, आपको रोज यही दिखता है बस, और कुछ है ही नहीं भाई। रोड भाई सड़क ले देख के भाई भी एक ही जगह जाए ले देख, लेकिन प्रखर के देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, क्या कुछ बातें बताई नहीं जाती भाई। यहाँ पे भाई हम लोग आ चुके हैं पैराडाइज और यहाँ पे अब खाने जा रहे हैं यार कुछ मीठा, तो ये इंडल्जेंस ले रहे हैं और चॉकलेट ट्रूफल ले रहे हैं, ब्लैक फॉरेस्ट ले रहे हैं। प्रखर कुछ खा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं खा रहे हो भाई? तो भाई यार गाड़ी हमने एक्सचेंज कर ली अपनी, वॉल्वो भेज दिया है उधर साइड थोड़ा ऑफिस साइड अपने, क्योंकि भाई इतनी भीड़ हो रही है ना यार शहर में, और भाई वो बार बार अपने आप ही ब्रेक मार रही है गाड़ी, इसलिए बड़ा डर लग रहा है उसको चलाने में। तो अब आ गए हम लोग इसको ले के अपने सुपर्ब को, इसका भी रिव्यू आएगा बहुत जल्दी भाई। अब भाई जो ये भी गाड़ी खींचती है ना यार,
मजा आ जाएगा आपको जब आप देखोगे ये गाड़ी कैसे खींचती है। अगर मैं इसको अभी जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं इसको बस ऐसे स्पोर्ट में करके, और ये था देखिए व्हील स्पिन, तुरंत व्हील स्पिन होने लगी गाड़ी। इसका भाई कुछ ऐसा हिसाब है। आ चुके हैं हम लोग अपने ऑफिस पे वापस, और यार आज मम्मा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लिया है, तो मैंने सोचा पहले आप लोग को दिखाता हूँ भाई, खोल के थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर देते हैं भाई इस व्लॉग में। तो ये है भाई उनका गिफ्ट, ये है भाई आईफोन 14 प्रो 1TB वाला वर्जन है भाई ये, और पर्पल कलर का भाई फ़ोन है। तो इसको भी खोल के देखते हैं भाई कैसे एप्पल इसका मतलब अनबॉक्सिंग, मतलब मेरा तो 14 प्रो मैक्स है, देखते हैं वैसा ही है कि कुछ अलग है इसमें। बात करें भाई इसकी प्राइस की, तो लगभग 1,80,000 रुपये का भाई आपका फ़ोन है ना, मोटा मोटा आप 2 लाख रुपये मान के चलो, क्योंकि कवर टेम्पर लगाते लगाते, वैसे तो मैंने लिया नहीं है अभी बट लेना तो पड़ेगा ही है ना, तो 4-5 हज़ार रुपये में उसमें लग जाते हैं, फिर पता नहीं इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस क्या क्या होता है उसमें भाई लग जाता है पैसा। तो इसको भाई चलो खोल के देखते हैं। तो भाई सील हमने इसकी खोल दी है, और भाई ये रहा अपना फ़ोन, पर्पल कलर का यार फ़ोन है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई, नया नया। आपको इसमें क्या कहते हैं सी टाइप केबल मिल जाती है, और इसमें देखते हैं इसमें भाई कुछ नहीं मिलता यार, अडेप्टर तो देना चाहिए भाई एप्पल वालों को, कितना कॉस्ट कटिंग करोगे यार। इसका ये निकालते हैं ना, भाई ये है भाई, ये प्रो है ना, जो मेरा वाला है वो प्रो मैक्स है। प्रो और प्रो मैक्स में फ़र्क ये होता है भाई कि साइज़ का फ़र्क होता है बस, बड़े छोटे का। अच्छा लग रहा है ना, तो चलो भाई अब मम्मा को दे देते हैं इसको। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाबू भाई को देखो, बाबू भाई क्यों इतने परेशान हैं आप। तो मम्मा के लिए जो हम लोगों ने सरप्राइज लिया है, मम्मा हाय बोल दीजिए, आप पहली बार चैनल पे आ रही हैं। हेलो। आप लोग, हम तीनों ने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है, क्या होगा वो सोचिए। पेन। पेन इतना भी नहीं मम्मा, और थोड़ा आगे बढ़िए। बुक्स दिखा दें अब। हाँ आप पैकेट देख के तो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ईयरपॉड्स। ईयरपॉड्स नहीं, एयरपॉड्स। एयरपॉड्स वही वही। वाओ क्रिस्टन, दिस लुक्स लाइक अ फोन। वाओ, ओह माय गॉड, 14 प्रो है, 1TB। वाओ, पसंद आया? वेरी नाइस क्रिस्टन, थैंक यू सो मच। Thank you everyone. तो गाइस फाइनली हमने गिफ्ट दे दिया है, अब भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, खोल खाल के हम लोग भी देखते हैं क्या क्या है फोन में। वैसे तो पता है सब मेरे जो मेरे में है वही होगा, बट फिर भी ठीक है। तो गाइस गिफ्ट दे के अब हम लोग आ गए हैं थोड़ी बिरयानी खाने, भाई बिरयानी अपने आप को बहुत पसंद है, और बाबू भाई खा रहे हैं अंडा चावल, तो बस यार खाते हैं, बहुत पसंद है यार मुझे ये वाला, ये GHS के पास मिलता है, बहुत पसंद है ये वाला चावल। गाइस अब आ चुके हैं हम लोग अपने ऑफिस पे वापस, खा पी के भाई बहुत मज़ा आया यार मम्मा को सरप्राइज़ देने में। और मुझे तो भाई गोल्डी कलर पसंद है, बट क्योंकि इसमें पर्पल सबसे नया कलर था और डिफरेंट था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उनको वाइट कलर देते हैं, क्योंकि नया कलर, मम्मा को शौक भी नहीं है यार, कभी कुछ लेती थी भी नहीं अपने लिए, इसलिए हमने सोचा भाई सही है उनके लिए पर्पल कलर। और कल सुबह भाई बस निकल रहे हैं, कल का व्लॉग मत मिस करना, फिर बताते हैं कहाँ जा रहे हैं ठीक है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।